विधानसभा से अपने उम्मीदवारी पेश किया हूं। लेकिन चतरस तो विधायक राजद के ही हैं और आप उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं और अभी मंत्री भी है फिलहाल में, तो आप बिल्कुल आपने सही कहा, थे हैं नहीं थे, अब वो चले गए हैं अनुसूचित जनजाति में, एसटी में चले गए हैं और सीट जो है सो एसी है। चतरा का माहौल है इस बार परिवर्तन जी, पूर्व का जो हमारे यहाँ मंत्री या विधायक पार्टी से जो लड़ाया गया उनको परिवर्तन होना चाहिए। ये मेरा नहीं, सर्वे करा के देख लिया जाए, वो परिवर्तन मांगता है। एक पूरे जो देख रहे हैं जो यहाँ भीड़ है, लगभग हम लोग चतरा से 70 गाड़ी के साथ चल के आए हैं, हम लोगों का सामूहिक डिमांड है कि सबसे पहले तो जो उनका बेटा बहू या जो भी है नाती पोता क्या क्या होता है जिनको लड़ना है, सबसे पहले आदरणीय हमारे लालू प्रसाद यादव जी से निवेदन है कि सबसे पहले उनको हटा दें। कर आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन, मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। देश में दो राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, महाराष्ट्र और झारखंड, और वहीं बात करें तो झारखंड की जो चुनाव की सरगर्मियां है वो बिहार को भी देखने को मिल रही है, और वहीं बात करें तो 10 सरकुला राबड़ी आवास जहां पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद रहते हैं वहां पर देख सकते हैं कि झारखंड से काफी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। क्यों पहुंचे हुए हैं हम इनसे ही बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि क्यों आए, कहां से आए। सबसे पहले बताइए। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूं, मुझे इस लायक आपने समझा। हम लोग झारखंड के चतरा जिला चतरा विधानसभा से, चतरा से आए। क्या क्या समस्या हो गया चतरा में जो आप? समस्या झारखंड में अभी चुनाव होना, राज्य का चुनाव होना सुनिश्चित हुआ है, आचार संहिता लागू है और अभी अनेक प्रकार से सभी विधानसभा में अलग अलग लोग प्रत्याशी लोग अपना प्रयास कर रहे हैं। उसी क्षण में मैं भी एक हूँ, चतरा विधानसभा से अपने उम्मीदवारी पेश किया हूं। लेकिन चतरस तो विधायक राजद के ही हैं और आप उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं और अभी मंत्री भी है फिलहाल में, तो आप बिल्कुल आपने सही कहा, थे हैं नहीं थे, अब वो चले गए हैं अनुसूचित जनजाति में, एसटी में चले गए हैं और सीट जो है सो एसी है। एसी एसटी में, वो एसटी में चले गए, एसटी में चले गए, चुनाव ऑटोमेटिक नहीं लड़ सकते वो चुनाव। तो क्या लगता है कि तो आप दावेदारी दे रहे हैं, तो क्या लगता है राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद देंगे आपको? ये हमारा अपना ये है सोच है पार्टी के प्रति, मैं समर्पण भावना से लगभग 30 वर्षों से जब जनता दल था, एकीकृत बिहार जब जनता दल था, तब से मैं इस पार्टी में हूँ। दरी से लेकर के झंडा बैनर तक हमने किया है और अभी लगातार 3 बार जिला उपाध्यक्ष, 2 बार मंत्री सब विधायक प्रतिनिधि, 2 बार उस समय तत्काल विधायक हुआ करते जनार्दन पासवान, उनका भी मैं प्रतिनिधित्व किया, अभी भोक्ता जी थे उनका भी मैं प्रतिनिधित्व किया हूँ, एसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष रहा हूँ, लगातार मैं 3 बार अपने क्षेत्र से मैं मुखिया भी हूँ, 3 बार मैं चूंकि शेड्यूल कास्ट से आता हूं तो लगातार 3 बार सामान्य सीट से जनरल सीट से मैं मुखिया भी कंटिन्यू। लेकिन आप ये बोल रहे हैं कि जो प्रेजेंट विधायक है वो एसटी में चले गए हैं इसलिए उनको सीट नहीं देना, लेकिन क्या लगता है वो दावेदारी पेश नहीं करेंगे जिस तरह से कई बात करेंगे ना? बेशक करेंगे, कर भी रहे हैं, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, चूंकि वो जब एसटी में चले गए तो उनके पास विकल्प नहीं था, तो अपना एक तृतीय सुपुत्र को बैठा परिवार की बेटी से शादी उन्होंने किया, जिसे लालच बस स्वार्थ बस कि हम अपनी बहू को चुनाव लड़ा सके, इस तरह के करना है किया, तो लगता क्या लगता है लालू यादव उन पर क्या करें? देखिए लालू यादव हम लोगों के मसीहा हैं, गरीबों के मसीहा हैं, दलितों के मसीहा, पिछड़ा के मसीहा हैं, अगड़ी जाति गरीबों लोगों के वो मसीहा रहे हैं, सभी लोग उनको मानते हैं और हम लोग तो चूंकि 90 से जब होश संभाले हैं, जब मैं मैट्रिक में पढ़ता था, जब उनके भाषण को सामने से देखता था सुनता था, तो साइकिल से चल के हम लोग आते थे 25 किलोमीटर, उनकी इतना अंदर में उनके प्रति भावना था हमारी, और मैं ही नहीं मेरे जैसे कई लोग होंगे। तो एक पूरे जो देख रहे हैं जो यहाँ भीड़ है, लगभग हम लोग चतरा से 70 गाड़ी के साथ चल के आए हैं, हम लोगों का सामूहिक डिमांड है कि सबसे पहले तो जो उनका बेटा बहू या जो भी है नाती पोता क्या क्या होता है जिनको लड़ना है, सबसे पहले आदरणीय हमारे लालू प्रसाद यादव जी से निवेदन है कि सबसे पहले उनको हटा दें, उनके दावेदारी को ख़त्म कर दें। ऐसा कहीं नहीं पूरे देश में कि अब किसी जाति में चले जाएँ और फिर वो यहाँ से किसी को ला करके मैंने क्या कहा जा सकता भाड़े पर ला के चुनाव लड़ाएंगे। तो बाकी जो वहाँ स्थानीय लोग हैं अनुसूचित जाति में, इतनी सारी जातियाँ होती है वहाँ चतरा में, और मैं बताऊँ कि वहाँ कुल वोटरों में 3.5 लाख वोटर प्लस एसी का है, वहाँ शेड्यूल कास्ट का है। तो हम लोग सर्वप्रथम मांग कर रहे हैं कि सबसे पहले तो उनको हटाया जाए और अन्य जो अनुसूचित जाति परिवार के अन्य लोग हैं जो पार्टी में समर्पण भावना से काम किया है, आदरणीय लालू यादव जी का वहाँ निगाह जाए, आदरणीय तेजस्वी यादव जी के वहाँ निगाह जाए और वो सर्वे उठा लें और टिकट दे, स्वागत है। मैं निश्चित रूप से पार्टी का समर्पित कार्य करता हूँ, ये मेरे पूरे विधानसभा नहीं पूरे चतरा जिला बोलेगा, और मैं अपने लिए नहीं मांगने आया हूँ, बस ये अपने हक की लड़ाई की मांग कर रहा हूँ। आपको जो बेहतर लगे पार्टी के लिए, जो बेहतर है, जो बेहतर काम किया है आप उनको दें, मैं
उनको स्वागत करता हूँ, भरोसा है दे दीजिए, लेकिन अब उनको नहीं दीजिए, हम आपको स्वागत है बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जिस तरह से अब कहा जाता है कि लालू यादव अब आरजेडी के फैसले नहीं लेते हैं, तेजस्वी यादव लेते हैं, युवा है, क्या लगता है तेजस्वी आपकी बात सुनेंगे जिस तरह से आप लालू यादव से मुलाकात करने आए? देखिए सवाल है कि हम लोग आदरणीय तेजस्वी यादव भी मिलने आए हैं, अब तो बिहार में अभी इस तरह से आदरणीय तेजस्वी यादव जी के गार्जियन लालू प्रसाद यादव जी हैं, उसी तरह हम लोग हमारा भी गार्जियन लालू प्रसाद यादव, ये पूरे दिल से मैं बोलता हूँ, दिखावे के लिए नहीं, तो भरोसा है, एक संगठन का मामला है, जो भी निर्णय है तो पूरे संगठन मानता है, तो मुझे लगता है कि आदरणीय लालू यादव जी बोलेंगे या तेजस्वी यादव जी बोलेंगे तो संगठन का फैसला है, सभी लोग मानते हैं और मानेंगे। चतरा का क्या माहौल है? चतरा का माहौल है इस बार परिवर्तन परिवर्तन जी, पूर्व का जो हमारे यहाँ मंत्री या विधायक पार्टी से जो लड़ाया गया उनको परिवर्तन होनी चाहिए, ये मेरा नहीं, सर्वे करा के देख लिया जाए, वो परिवर्तन मांगता है, जितने लोग आए हैं जो भीड़ देख रहे हैं 400-500 सभी लोग परिवर्तन के लिए आए, सभी लोग परिवर्तन चाह रहे हैं, तभी सीट बचेगा, न्यू चेहरा बचेगा, सभी का यही कहना है। तो साफ तौर पर आप सुन रहे थे चतरा विधानसभा से झारखंड के पहुंचे हैं लोग, और साफ तौर पर कहते हुए जा रहे हैं कि अपने ही विधायक के बदलना बात कर रहे हैं, जो अभी चतरा से प्रेजेंट में विधायक हैं वो राजद से ही हैं, लेकिन उनका साफ तौर पर कहना है कि उन्हें हटाकर आप किसी को भी टिकट दे दें हम लोग मान लेंगे, क्योंकि वो अब एसटी में शामिल हो गए हैं। इसी तरह तमाम खबर बने न्यूज़ 4 के साथ, नमस्कार।